Assalamu alaikum, boys and girls. Today we have storytelling. I want you to open your books to page 28 and 29. And you may also follow the story from the book. Let's listen. Dear Cousin Nibble, thanks a lot for your gifts, pictures you sent. Dear Cousin Nibble, shukriya bahut aapka tohfe aur pictures jo aapne bheji. You are looking very smart. Aap to bahut smart lag rahe hain. I have something very important to tell you. मेरे पास ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको बताने को. Ginger is back from her trip and she's up to her naughty tricks again. Ginger जो है वो अपने ट्रिप से वापस आ गई है और फिर अपनी बदतमीजी हरकतों पे शुरू हो गई है. I think she suspects that it wasn't me, but someone else who tricked her last time. मुझे अंदेशा है कि वो समझ गई है कि मैं नहीं थी जिसने उसको परेशान किया था last time. But maybe she's not sure because of our resemblance. मगर ऐसा भी हो सकता है कि वो शायद श्योर नहीं है क्योंकि हम दोनों एक जैसे लगते हैं. She disturbs me anyway. मगर वो मुझे परेशान करती है. Just yesterday morning, I crept to the kitchen and was delighted to see a whole box of cheese on the table. कल की ही बात थी सुबह में कि मैं किचन में गई और मैंने देखा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक पूरा बॉक्स था पनीर का मेज पे. Seeing that no one was about, that no one was around, I picked up a piece and was about to jump down when I saw her erect tail and then fierce face staring at me. ये देखते हुए कि कोई भी इर्द गिर्द नहीं है मैंने एक बड़ा सा पीस चीज का लिया. मैं तो बस कूदने ही वाली थी नीचे जबकि मैंने उसकी सीधी दुम देखी अलीफ की तरह बिल्कुल सीधी और उसका खून खौर शेर जैसा चेहरा देखा. और वो क्या कर रही थी मुझे ताड़ रही थी. I dropped the cheese and leapt from the other side towards my home with just a little bit left in my mouth. परेशान होके मैंने पनीर फेंका और दूसरी तरफ मेज के कूद के अपने घर चली गई और सिर्फ उतना ही चीज मेरे मुंह में था जिसका मैंने बाइट ली थी. I was dozing off when I smelt the sweet scent of a banana. मैं बस नींद में ही थी जब मुझे एक बहुत
अच्छी मीठी भीनी भीनी खुशबू केले की आई। आई पीक्ड आउटसाइड एंड देयर वॉज अ पील्ड बनाना लाइंग ऑन द फ्लोर बिसाइड द बेबीज कॉट। मैंने डर डर के ना बाहर आहिस्ता आहिस्ता चेक किया, देखा उधर क्या था। छिला हुआ केला जमीन पे पड़ा हुआ था बेबी के कॉट के पास। माई टमी वॉज ऑलरेडी ग्रम्बलिंग लाउडली। मेरा पेट तो यूं ही बहुत भूख से आवाज़ें मना रहा था। सो स्विफ्टली आई ग्रैब्ड द बनाना एंड टर्न्ड टू रन। तो तीर की तरह मैंने केला पकड़ा और भागना शुरू। देयर शी वॉज विद द मोस्ट कनिंग स्माइल ऑन हर फेस। Without thinking, I raced between her legs towards my home. मगर क्या हुआ, जैसे मैं वहां मुड़ी उसका हॉरिबल चेहरा देखा बिल्ली का, उसके मुंह पे और बगैर सोचे समझे पता नहीं क्या मेरे में आया कि मैं उसकी टांगों के बीच से सीधी तीर की तरह अपने घर चली गई। Things are pretty bad here. She guards my home and doesn't even let me out. हाय, मैं क्या बताऊँ, यहाँ हालात बहुत ही बुरे हैं। वो बिल्ली मेरे घर के आगे ऐसा चौकीदारा कर रही है कि मैं एक सेकंड पल भी बाहर नहीं आ सकती। शी अपीयर्स एंड वैनिशेस लाइक अ गोस्ट। वो आती है और जाती है ऐसे जैसे कोई भूत। हर स्केरी फेस अपीयर्स बिफोर माई आईज व्हेनेवर आई क्लोज देम। और उसका खौफनाक चेहरा मेरे आँखों के इर्द गिर्द घूमता है जब मैं आँखें अपनी बंद करूँ। I'm trapped in my own house as a prisoner. मैं अपने ही घर में एक प्रिजनर के तौर पे ट्रैप्ड हूँ। I haven't had a proper meal since yesterday morning. मैंने पूरा सही सा खाना भी नहीं खाया है कल सुबह से। She has made my life so miserable. उसने मेरी जिंदगी अजीरन बना दी है। I want you to please come over and help me again. I cannot forget how you tricked her with your speed and perfect plans. मैं चाहता हूँ कि तुम फिर इधर ही आओ और मेरी मदद करो दोबारा। मैं भूल नहीं सकती हूँ कैसे तुमने उसको ट्रिक किया अपनी तेज रफ्तार और अच्छे कामयाब प्लान से। शी वॉज पजल्ड एंड कुडंट इवन मेक आउट व्हाट वॉज हैपनिंग। आई रियली नीड यू, योर लविंग कजन फेबल। वो तो इतनी चकराई हुई थी ना बिल्ली कि वो समझ ही नहीं पाई कि हो क्या रहा है। मुझे बहुत तुम्हारी ज़रूरत है, आपकी लविंग कजन फेबो। सो बॉयज एंड गर्ल्स, डिड यू लाइक द स्टोरी? यू डिड, गुड। लिसन टू द स्टोरी अगेन एंड शेयर इट और रीटेल इट
to your friends and your teacher. Allah Hafiz. Thank you.